राम राम सा सभी को। खम्बा घनी सा राजस्थान, मेरा देश मेरा भारत। दोस्तों, अलवर सिटी राजस्थान की टॉप 10 स्ट्रीट फूड के बारे में आज को बताने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ की फेमस कड़ी कचौरी से, और हम पहुंचे सीधा मोनू की कड़ी कचौरी पर। जी हाँ, ये बहुत ही शानदार और स्वादिष्ट कड़ी कचौरी बनाते हैं। हालांकि फेमस तो बहुत है कड़ी कचौरी में यहाँ पर, लेकिन जो मैंने चूज किया है वो सिर्फ आपके वोट से और आपके कमेंट्स के आधार पर ही मैंने चूज किया। इसके बाद अपन चलते हैं दूसरे नंबर पर खाई जाने वाली सबसे ज्यादा चीज, वो है दाल पकवान। और हमने चूज किया है सियाराम के दाल पकवान, जो कि स्थित है सब्जी मंडी के दूसरे गेट पर घंटा घर के पास। और इन्होंने अपनी गवर्नमेंट जॉब छोड़ के ये काम स्टार्ट किया, और सच मानो इनके दाल पकवान खाने के लिए अलवर शहर के कोने कोने से लोग आते हैं। उसके बाद हम चलते हैं आपको खिलाने क्या छोले पपड़ी। ये स्थित है अशोका टाकीज पर, और ये भैया काफी सालों से छोले पपड़ी का काम करते आ रहे हैं, और इनकी छोले पपड़ी के हर कोई दीवाने। सुबह के टाइम ये लगाते हैं, सच मानो एक बार अपन ने खा ली तो दोबारा छूट नहीं पाओगे। उसके बाद कृष्णा चाट कॉर्नर के समोसे अगेन सब्जी मंडी घंटा घर के पास एक साथ बना देते हैं सैकड़ों समोसे, और भाई साहब इनके समोसे खा के हर कोई कहता है कि वाह। उसके बाद अपन चलते हैं तवर कॉर्नर पर स्थित संजय भैया के गोलगप्पे। इनके गोलगप्पे बताए आपको क्यों फेमस है, क्योंकि ये सिलबट्टे से चटनी बनाते हैं, और ये भाई साहब गोलगप्पे कितने खा लो कम नहीं होते। ये स्थित है घोड़ा फेस सर्किल के पास। उसके बाद अपन चलते हैं शाम फास्ट फूड, जिनकी सिंगापुरी चाउमीन भाई साहब, वास्तव में ऐसा स्वाद राम बाबा के भक्त के हाथ से ही आ सकता है। और इनकी चाउमीन खाने के बाद तो ऐसा लगता है कि वाह क्या चाउमीन बनाई है, आहा। उसके बाद अपन चलते हैं आपको बर्गर खिलाने। बर्गर खिलाने का टाइमिंग थोड़ी शाम को आ जाती है, ये शाम को लगाते हैं। ये है बंटी भैया के बर्गर। जी हाँ, इनकी थैली का नाम हर्षवर्धन बर्गर के नाम से फेमस है, ओसवाल स्कूल के बाहर ये लगाते हैं। और सच मानो बर्गर के लिए इन्होंने बनाई है एक स्पेशल ग्रेवी, जिनका सीक्रेट सिर्फ इनको पता है, इनकी स्माइल में छुपा है। और इनका बर्गर खाते ही मान लो ऐसा लगता है कि अगर इन्होंने ब्रांड खोल लिया तो ये मैकडोनल्ड को भी फेल कर देंगे। लेकिन आपको बता दें, इन्हीं के साथ दूसरे नंबर पे आते हैं हमारे गोपाल भैया के बर्गर, जिनकी ठेली बहुत ही सिंपल सी है, जिस पर श्री राम बर्गर लिखा हुआ है, और ये काली मोरी फाटक के पार लगाते हैं। और गोपाल भैया मजे मजे में ऐसा स्वादिष्ट बर्गर बना देते हैं कि बात ही मत पूछो। इसका विराज इनकी एक ये स्पेशल ग्रेवी है। जी हाँ, ग्रेवी जो कि बहुत सारी वेजिटेबल से मिलकर बनी है। उसके बाद मोमोज खाने पहुंच गए हम चाइना टाउन। शाम के समय, टाइमिंग शाम की रहती है। मोमोज सच मानो ये अलवर सिटी राजस्थान की सबसे वायरल शॉप है, और यहाँ पे सारी चीजें बढ़िया, लेकिन हमने प्रेफर किया मोमोज। और मोमोज का साइज इतना बड़ा बड़ा है, और इनकी तीन तरह की चटनियां इसी को और भी स्वादिष्ट बना देती है। उसके बाद हम पहुंचे यहाँ से सीधा, हाँ बता सकते हैं आप, टिकिया खाने अशोका टाकीज पर, जो कि शाम को लगती है। जयसवाल अंकल की टिकिया 1996 में इनकी जॉब चली गई, उन्होंने बोला कि हटा सावन की घटा, अब बनाएंगे अपन टिकिया। तो टिकिया ऐसी बनाई कि पूरे अलवर वाले उंगली चाटते रह जाते हैं। शाम को इनकी ठेली लगती है, और आज भी पत्तल के डोने में ये टिकिया परोसते हैं। उसके बाद हम पहुंचे घर जैसा खाना खाने के लिए। भाई शाम हो चुकी है, रात हो चुकी है, हालांकि सुबह शाम दोनों जगह मिलता है। तो हम पहुंचे बस स्टैंड के पास स्थित शिव पवित्र भोजनालय में, जहां चूल्हे की गर्मा गर्म रोटी आपका इंतजार कर रही है। और ये अंकल कहते हैं कि हमारी सिर्फ एक ही क्वालिटी, हम प्रोवाइड करते हैं घर जैसा खाना, आप कहीं भी हो आपको ये फील ना हो कि आप बाहर हैं। इन्हीं के साथ साथ रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 से निकल के आप 500 मीटर की दूरी पर स्थित पप्पू ढाबा का, जहाँ पर मिलता है बहुत ही स्वादिष्ट और घर जैसा खाना। जी हाँ, ये भी चूल्हे की रोटियाँ, और काफ़ी बरसों से बनाते आ रहे हैं, बचपन से इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी इसमें गुजार दी। सच मानो तो ये थी टॉप 10 बेस्ट चीज़ें। हालांकि ये टॉप 12 हो गई, लेकिन हमने कुछ चीज़ों को मर्ज कर दिया, जैसे बर्गर और ये घर जैसा खाना। तो व्लॉग कैसा लगा जरूर बताना। राम राम सा सभी को। खम्बा घनी सा राजस्थान, मेरा देश मेरा भारत।